हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, अ फ्लोर टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, आपको कहा गया कि आपके पास टाइल्स है जैसे, और वो पैरेललोग्राम की शेप में है। तो ये टाइल की शेप हमने आपके लिए बनाई है जिसका बेस कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर कहा गया था टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर एंड द corresponding हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये तो हमें शेप ऑफ टाइल के बारे में बता दिया गया, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर आगे कहा गया है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसी कितनी टाइल्स की जरूरत हमें पड़ेगी टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर एरिया। यानी आपके पास जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसका एरिया गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। उस फ्लोर को, उस फर्श को कवर करने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स हमें लगानी है ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमें कितना दिया गया है, एरिया ऑफ फ्लोर है 1080 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, देखिए आपके पास एरिया ऑफ फ्लोर है, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि पैरेललोग्राम शेप वाली ये टाइल्स कितनी टाइल्स लगेंगी इतने फ्लोर के एरिया को कवर करने के लिए, तो हमें एक टाइल का एरिया निकालना होगा। अगर हमें एक टाइल का एरिया मिल जाता है तो हम इस एरिया ऑफ फ्लोर को उस एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ वन टाइल, अब टाइल की शेप क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह 24, हाइट की जगह 10, तो यहां पर 24 इंटू 10 आता है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि एरिया जो गिवन था वो मीटर स्क्वायर में था, जबकि एरिया ऑफ फ्लोर तो मीटर स्क्वायर में था, जबकि एरिया ऑफ टाइल हमारे पास आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। जबकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें दोनों एसआई यूनिट्स को सेम करना होगा, तो हमने इस जो सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एरिया आया था टाइल का, उसे कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में। कैसे, देखिए हमने 240 को डिवाइड किया 100 इंटू 100 से। क्यों, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के। यानी अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब बड़ी यूनिट छोटे में कन्वर्ट की जाती है तो मल्टीप्लाई होता है, और छोटी यूनिट को अगर बड़े में कन्वर्ट करो, जैसे यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में डिवाइड किया जाता है। अब 1 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर में तो 100 से डिवाइड होता है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। तो 240 को 100 से दो बार डिवाइड किया जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यानी कि 100 इंटू 100। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से ये एक जीरो कटी, ऊपर बचा 24, नीचे 100 इंटू 10 यानी 1000। नीचे से तीन जीरो हटाएंगे तो डेसिमल अभी यहां पर है, लास्ट में डेसिमल तीन प्लेस लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, एक दो, और तीसरे नंबर के लिए हमने यहां जीरो लगाया। तो यहां पर सिंपली हमने किया है 24 को 1000 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल आ गया 0.024 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर भी है 1080 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन टाइल भी है 0.024 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल से। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना था 1080, ये तो न्यूमरेटर में आ गया,
अपॉन में एरिया ऑफ वन टायर जो भी हमने कितना निकाला था 0.024 मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में आ गया 0.024। अब ध्यान से देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हम नीचे से डेसिमल हटा देते हैं, यहां बचा 24। कितने नंबर के बाद डेसिमल था राइट से अगर चेक करें, 1, 2, 3 के बाद, तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 जीरो आ जाएंगी। अब 2 12 द 24 और यहां पर 2 5 द 10, 2 4 द 8 और ये 0 बचा। ऊपर बचा 540, नीचे रहा 12 और साथ में ऊपर 3 जीरो भी है। अब नंबर ऑफ टायर्स रिक्वायर्ड इसी को हमने कंटिन्यू किया है आगे, 540 एज इट इज अपॉन में यहाँ क्या बचा था 12 इंटू यहां से था 1000। देखिए 2 6 द 12 और 2 5 द 10, 2 जीरो बची वो यहां लग गई, यानी 2 × 500 क्या होता है 1000। अब उसके बाद 6 9 द 54, ये 54 कट गया, 0 बचा वो यहां आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 × 90 यानी 540। अब न्यूमरेटर में क्या बचता है 90 × 500, जबकि डिनोमिनेटर में तो सब कट चुका है, तो 90 × 500 जब स्टूडेंट्स आप करेंगे तो आपको मिलेगा 45,000। तो नंबर ऑफ टायर्स रिक्वायर्ड हमें क्या मिला 45,000, यानी कि वो फ्लोर जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर था उसको एक ऐसी टाइल्स यानी कि आपने पैरेललोग्राम शेप वाली टाइल्स से अगर कवर करना है, जो हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो हमें ऐसी 45,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।